नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जो टाइम बीत जाए वो अच्छा है। पिछला सप्ताह अच्छा निकला, भगवान की असीम कृपा रही है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह अच्छा रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम बात करेंगे कि डिफरेंट राशि के लिए आने वाला सप्ताह किस तरीके से और क्या क्या खुशियाँ, क्या प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है और उनके क्या रेमेडीज हैं। हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। शुभ रथ है पन्ना। शुभ दाक्ष है चारमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों की तरह से पूरी तरीके से साथ है। सफलता आसानी से प्राप्त होगी। व्यापार में नई पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाएं तलाश सकते हैं। कोई रुके हुए कार्य हैं तो उनको गति भी मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। छात्रों को इस सप्ताह ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एकाग्रता बनाए रखना है। पारिवारिक स्तर पर आपको हर तरीके की पारिवारिक खुशियां हासिल होंगी। घर वालों से आपका सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। आप घूमने का यदि प्लान कर रहे हैं तो बना सकते हैं प्लान। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने की इस सप्ताह आपकी प्रबल संभावना है। जानते हैं सप्ताह को, आने वाले सप्ताह को और कैसे अच्छा बना सकते हैं इसके बारे में। तो आपको अपने दांतों को और जीभ को दिन में कम से कम दो बार साफ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी मंदिर के अंदर दूध और चावलों का दान करें, ये भी आपके लिए इस सप्ताह अच्छा रहेगा। घर में आपको एक पालतू कुत्ता यदि आप पाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कम्प्लीटली इस सप्ताह शाकाहारी रहना है, नॉनवेज और ड्रिंक्स नहीं करने हैं। खाने से पहले अपने भोजन का जो पहला हिस्सा है वो एक कौवे को आप प्रतिदिन खिलाएं। चांदी के गिलास में आप हर रोज़ पानी भर के पिएं। पक्षियों को गीला हरा ग्राम फीड करने से आपका सप्ताह और शुभकारी साबित होगा। जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट राशियों के लिए आने वाला सप्ताह किस तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स लेके आएगा, देखा जाए तो हर सप्ताह एक पॉजिटिव सप्ताह बन सकता है। ध्यान रखना है कि केवल अपने आप को सकारात्मक रखने की ज़रूरत है। यदि आप अपने आप को डिफरेंट उपाय जो मैंने बताए या फिर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो उपाय आप कर सकते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने आप को सकारात्मक रखें, तो आप नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगी। कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आप अपने आप को छोटे से दो उपाय हैं कि माता पिता की सेवा करना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, किसी का बुरा ना करना। ये सबसे अच्छे उपाय हैं जो हर राशि के जातकों के लिए, हर वीक के लिए आपको सफलता देने के लिए सहायक हैं। मैं महागुरु गौरव आशा करता हूँ यदि आप इन उपायों को फॉलो करेंगे तो सप्ताह, एक सप्ताह नहीं, आने वाला हर सप्ताह आपके लिए शुभकारी रहेगा।